जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया के लिए बनाया गया एक ऐसा अजूबा जिसे बनने में करीब 30 सालों का समय लगा था, और इतने लंबे समय में तैयार होने में जेम्स वेब में करीब 10 बिलियन डॉलर की लागत लगी थी। जेम्स वेब को बनाने का मकसद ब्रह्मांड की दुनिया को एक नए नजर से देखना, समझना और ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों और बिग बैंग के बाद बनने वाली पहली गैलेक्सी को ऑब्जर्व करना था। जेम्स वेब से पहले 1990 में नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिसने हमें ब्रह्मांड की कई सारी अनोखी तस्वीरें दिखाई, जिसमें गैलेक्सीज, नेब्यूला, तारे, ग्रह शामिल थे। और आज भी हबल पूरी तरह वर्किंग कंडीशन में है, पर अब हबल की टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो चुकी है, और इसलिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए नासा ने जेम्स वेब को 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया, और अब वह पूरी तरह फंक्शनल है और अच्छे से काम कर रहा है। नासा ने दुनिया को जेम्स वेब के द्वारा ली गई कई सारी इमेजेस शेयर करी है, जो देख सभी के सभी हैरान रह गए थे। और आज की वीडियो में हम जेम्स वेब के द्वारा ली गई टॉप 5 इमेजेस को देखेंगे और समझेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, जेम्स वेब द्वारा ली गई ये पहली इमेज है जिसे खुद US प्रेसिडेंट जो बिडेन ने 11 जुलाई 2022 को दुनिया के सामने शोकेस किया था, जो काफी ज्यादा डीप, शार्प व क्लियर इंफ्रारेड इमेज थी, जिसमें हम डिस्टेंट यूनिवर्स को आसानी से देख सकते हैं। इस इमेज का नाम गैलेक्सी क्लस्टर SMA CS0723 है, जिसमें कई हजारों गैलेक्सीज के समूह और दूर दूर की धुंधली गैलेक्सीज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टडी में ये माना गया है कि ये गैलेक्सीज क्लस्टर करीब 4.5 अरब साल पुरानी है। दोस्तों, चमकते हुए तारों से घिरे पहाड़ों और घाटियों का यह दृश्य असल में है कैरिना नेब्यूला। वेब ने इस नेबुला को अपने MIRI और नियर इंफ्रारेड कैमरा के जरिए कैप्चर किया, जिससे हम आसानी से इन गैसों के बादलों के अंदर का दृश्य भी देख सकते हैं। स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों ने इस इमेज में एक अनोखी चीज को नोटिस करा। यहाँ इन धूल के बादलों के अंदर हम एक बेबी स्टार को जन्म लेते हुए देख सकते हैं। बात करें डिस्टेंस की, तो कैरिना नेबुला हमारी पृथ्वी से 750 लाइट ईयर दूर कैरिना कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। अगर आप स्पेस लवर है तो आप सभी ने ये इमेजेस को एक बार तो जरूर देखा होगा। पिलर ऑफ क्रिएशन, जो हमारी पृथ्वी से 6,500 लाइट ईयर दूर ईगल नेब्यूला में स्थित है, जिसे पहली बार हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था, लेकिन हम हबल की इमेज में पिलर के अंदर क्या है वो नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जेम्स वेब के लेटेस्ट इमेज में हम इन न्यूली फॉर्म स्टार को भी देख सकते हैं। एक और हैरानी की बात यह है कि पिलर ऑफ क्रिएशन के पीछे जितने भी ब्राइट ऑब्जेक्ट हैं, वो गैलेक्सीज नहीं हैं, बल्कि हल्की गैसेस हैं और धूल हैं, जिन्हें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के डिस्क का इंटरस्टेलर मीडियम को कहा गया है। M74 या कहे फैंटम गैलेक्सी, 32 मिलियन लाइट ईयर दूर पीशियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ये गैलेक्सी को नासा के हबल और जेम्स वेब दोनों से ही कैप्चर किया गया। अगर हम हबल की ये इमेज को देखेंगे, ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के साथ खींची गई थी, जिसमें हम गैसों और डस्ट क्लाउड के पार नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हम M74 की स्पाइरल आर्म में कई सारे तारों को देख सकते हैं। वहीं जेम्स वेब की ये लेटेस्ट इंफ्रारेड इमेज में हमने बहुत कुछ नया देखा, जहां वेब ने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में गैलेक्सी को कैप्चर किया। अगर आप ये रेडिश बबल जैसी आकृति देखेंगे, तो इस स्पॉट पे दोस्तों एक तारे का फॉर्मेशन चल रहा है। सेंटर में हमें तारों का समूह भी देखने को मिला, जो हम हबल के टाइम पर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जेम्स वेब की इंफ्रारेड इमेज के जरिए ये मुमकिन हो पाया। दोस्तों, ये चमकता हुआ रिंग वाला ग्रह हमारे सौर मंडल का आखिरी ग्रह नेपच्यून है। जी हाँ, हमने अभी तक नेपच्यून को ब्लू कलर में देखा है, जो आखिरी बार क्लियर व्यू में वॉयजर 2 के द्वारा देखा गया था, जिसकी कोई भी रिंग दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जेम्स वेब ने अपने नियर इंफ्रारेड कैमरे से ये व्यू कैप्चर किया। वैसे तो नेपच्यून पूरा ब्लू कलर में दिखाई देता है, लेकिन इस इमेज में वह काफी ज्यादा ब्राइट वह व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का रीजन ग्रह में मौजूद मीथेन गैस है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग अमाउंट में है कि वह रेड और इंफ्रारेड लाइट को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि नेपच्यून एक आइस जाइंट है, तो मीथेन गैसों के बड़े बड़े बादलों से ढके होने के कारण वह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। वेब ने नेपच्यून के 14 चंद्रमाओं को भी कैप्चर किया, जिनमें 6 अहम चंद्रमाओं के नाम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे जेम्स वेब द्वारा लिए गए 5 मोस्ट फेमस इमेजेस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें,
और ऐसी वीडियोस देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।